हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले दो वीडियोस में हम केस स्टडी के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे सम नंबर 19 को, जहां पर जो केस स्टडी का क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें है एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है हाईवे ओवरपास या फिर आप कह सकते हो अंडरपास। अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैराबोला किसको हम बोलते हैं। मान लीजिए आप इस पोजीशन पर खड़े हैं और यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल या कोई भी स्टोन या पेपर किसी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो जब आप यहाँ से उसको थ्रो करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ में ट्रैवल करेगा तो जो शेप वहाँ पर बनेगी उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि किसी हाईवे का जो अंडरपास है वो पैराबोला की शेप में है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो कि इसकी जो शेप है इस तरह से वो पैराबोला है। ये जो शेप यहाँ पर है ये हमें कहा गया है कि ये पैराबोलिक शेप है। इसके बाद पैराबोला, अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो उसको जब भी हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो जो शेप हमें मिलेगी वो शेप पैराबोला की फॉर्म में होगी। सो पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो पैराबोला होते हैं वो एक लाइन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं, उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक पैराबोला की शेप है और ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और यहां पर इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये शेप भी एक पैराबोला है या फिर अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाए तो ये भी एक पैराबोला ही होगा। तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक पैराबोला की ही शेप मिलेगी। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ़ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, कि जो हाईवे ओवरपास दिया गया है अगर वो इस पॉलीनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसके जीरोस क्या होंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करना है एंड देन इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस टू आ जाए एंड उनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट आ जाए। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस टू एंड मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट, तो ऐसे नंबर होते हैं टू एंड फोर, कि अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनका डिफरेंस आपको मिलेगा माइनस टू, क्योंकि टू में से फोर को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस टू एंड टू एंड माइनस फोर को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस एट। तो इसलिए यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स मैथड का यूज करते हुए माइनस टू एक्स को लिख देंगे टू एक्स माइनस फोर एक्स। इसके बाद पहले दो टर्म्स में से हम x को कॉमन लेंगे और हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस टू एंड ऐसे ही बाद के दो टर्म्स में से हम माइनस फोर को कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी बचेगा x प्लस टू। तो अब इन दोनों में से हम x प्लस टू को कॉमन लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस फोर। तो अब यहाँ पर इनके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x प्लस टू को हम जीरो से कंपेयर करेंगे, देन x माइनस फोर को भी जीरो से कंपेयर करेंगे। तो ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जाकर ये हो जाएगा माइनस में और ये जो माइनस 4 है ये राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह से उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो जीरोस हैं वो हैं माइनस 2 एंड 4। यानी कि जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 2 4 एंड माइनस 2 ये इसका सही आंसर होगा। या फिर अगर आप इसको शॉर्ट वे में करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको बस ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया है उसमें हम ऐसे कौन से दो नंबर रख सकते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस टू आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट आ जाए। तो जैसे कि अभी हमने इसका सोल्व किया था, फैक्टराइज इसको किया था, तो दो नंबर हमें मिले थे टू एंड फोर,
यहाँ पर 2 होगा प्लस का और 4 होगा माइनस का, तो तभी 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2 एंड उनको मल्टीप्लाई करके माइनस 8 आ सकता है। तो यानी कि हमें वो दो नंबर्स मिल गए हैं, एक है 2 और दूसरा है माइनस 4। तो ये जो नंबर आपको मिले हैं 2 एंड माइनस 4, आपको ये एज इट इज़ यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे लास्ट में जब हमने उस सम के जीरोस को फाइंड आउट किया था, तो x प्लस 2 को जब 0 से कंपेयर हमने किया था, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई थी। यानी कि इसका मीन्स ये है कि जो नंबर्स आपने ये फाइंड आउट किए हैं 2 एंड माइनस 4, तो आपको इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। यानी कि 2 की जगह आप लोगे माइनस 2 को और माइनस 4 की जगह लोगे आप प्लस 4 को। तो अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये दोनों नंबर्स हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल। तो चार ऑप्शन है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट बोथ वाई और एक्स एक्सिस एंड नन ऑफ द अबो। यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि अगर किसी हाईवे ओवरपास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो शेप हमें मिलेगी वो होगी पैराबोला की शेप में। तो हमसे ये पूछा गया है कि उस पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे, हमें ये बताना है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कितने जीरोस उसके होंगे। तो आपको याद होगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ्स आपको दिए गए हैं, और वहाँ पर केवल ग्राफ को देखकर ही आपको ये बताना है कि उन पॉलीनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस उस पॉलीनोमियल के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वही इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स कि अगर हाईवे ओवरपास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस उस पॉलीनोमियल के हो जाएंगे। इसके बाद है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आपको दिया गया है पैराबोला की डेफिनेशन में, कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो जो शेप आपको मिलेगी वो होती है पैराबोला की शेप। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद है डी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 10 इज 6 एंड सम ऑफ जीरोस इज 0। आप ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन बताना है हाईवे अंडरपास का जिसका 10 तो 6 है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, यानी कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम उस पॉलीनोमियल में पुट कर दें तो उनका आंसर 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कहा गया है कि उनमें से एक तो जो जीरोज़ है वो है 6 एंड आगे कहा गया है कि सम ऑफ द जीरोज इज 0, यानी कि उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो 0 होगा। तो अब आपको यहाँ पर ये खुद सोचना है कि 6 में आप ऐसे किस नंबर को ऐड कर सकते हो कि उन दोनों का सम 0 आ जाए। तो 6 में अगर आप -6 को ऐड करोगे तो ही उनका सम 0 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि अगर उस पॉलीनोमियल का एक जीरोस 6 है तो उसका दूसरा जीरोस -6 होगा। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए हमें उस पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगर उसका एक जीरोस है 6 और उन दोनों का सम 0 है, तो उन दोनों का सम 0 तभी आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर यह देखना है कि 6 में आप ऐसा क्या नंबर ऐड कर सकते हो कि 0 आ जाए। तो आपको वहाँ पर ऐड करना होगा -6। दैट मीन्स कि उसका जो दूसरा जीरोस होगा वो -6 हो जाएगा। तो यानी कि x की एक वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यू -6 है। तो यहाँ पर जब हम इस 6 को इधर लेकर आएंगे ये माइनस में हो जाएगा, और जब -6 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसके बाद हमें x माइनस 6 को x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि एक बार x का स्क्वायर देन माइनस और फिर 6 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एज इट इज़ और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36।
इसका मतलब जो चार ऑप्शन हमें दिए गए थे उनमें से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट वे में इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि आपको दिया गया है कि उसका 106 है, तो आपको इस 6 को इन सभी पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखना है और ये चेक करना है कि किस पॉलिनोमियल में इसको पुट करने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर आप इस 6 को पुट करते हो सबसे पहले वाले पॉलिनोमियल में, तो जब इसको फर्स्ट टर्म में यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 6 को रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। फिर जब इसी 6 को हम यहाँ पर इस टर्म के अंदर रखेंगे तो 6 × 6 इज 36 और ये है माइनस का। उसके बाद यहाँ पर थर्ड टर्म है 2, दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली कि 36 से ये -36 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 2 फिर भी बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं हुई। देन हम 6 को पुट करेंगे सेकेंड ऑप्शन में यानी कि यहाँ पर, तो जब x की जगह 6 को रखा जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा 36 और दूसरी टर्म में ऑलरेडी -36 है, 36 - 36 इज जीरो, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में पुट करके चेक करने की नीड भी नहीं होगी। देन इसका ई पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल कैन हैव इज, तो एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो इसकी एक टर्म में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 है। मीन्स आपको ये लगेगा कि इस पॉलिनोमियल के भी 2 जीरोस ही होंगे, लेकिन ये ऑप्शन इसका गलत है। जीरोस का मतलब होता है वो नंबर जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू को जीरो बना दे। तो आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है एंड देन ये 4 एज इट इज। इसके बाद एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -4x और फिर ये वाला 4 एज इट इज। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x एंड उसके बाद 4 + 4 को आपको यहाँ पर लिख देना है 8। तो अब आपको कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर आप प्लस या माइनस करते हो तब आपके पास उन दोनों का या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर तो नंबर आ जाए -4। लेकिन अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आना चाहिए 8। तो आप सोच कर देखिए, इस तरह के कोई भी दो नंबर्स नहीं होंगे जिनको अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो आंसर में आपको -4 मिल जाएगा और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 मिल जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक भी जीरोस नहीं हैं। और इसी को शॉर्ट वे में आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल दिया गया है x - 2² + 4 और हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसे क्या वैल्यू पुट की जाए कि ये जो है वो पूरा का पूरा जीरो बन जाए। तो आपकी यहाँ पर सेकंड टर्म है +4, तो इसको जीरो बनाने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें और किसी तरह से ये माइनस का 4 आ जाए तो -4 + 4 तब ये जीरो हो सकता है। बट जो फर्स्ट टर्म आपको दी गई है वो है x - 2 का होल स्क्वायर और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी कि आप यहाँ पर x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें तो जब आप इसको सोल्व करोगे एंड स्क्वायर करोगे तो वहाँ पर -4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर -4 आ जाए तभी उनकी वैल्यू को जीरो बनाया जा सकता है। बट क्योंकि वहाँ पर -4 नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो हो जाएंगे बिल्कुल जीरो, मीन्स इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। तो ये था केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी से ही रिलेटेड कुछ और सम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।